छतरपुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने तालाब के पास झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया। शर्मा ने कहा कि भारत के पीएम नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर आज देश के नागरिक स्वच्छता के प्रति जागरूक हो रहे हैं। खजुराहो भी स्वच्छता अभियान में बड़ी भूमिका निभा रहा है। खजुराहो में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और स्थानीय सांसद वीडी शर्मा ने शिव सागर तालाब के पास स्वयं झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया। उन्होंने सुबह पहले मातंगेश्वर भगवान के दर्शन किए, इसके बाद वे स्वच्छता अभियान में शामिल हुए। उन्होंने मंदिर के प्रांगण में और तालाब के पास झाड़ू लगाई, जहां उन्होंने अपने संदेश में कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर आज देश के नागरिक स्वच्छता के प्रति जागरूक हो रहे हैं। खजुराहो में स्वच्छता अभियान का यह 49वां दिन है और लगातार खजुराहो के समाज सेवी और बुद्धिजीवी स्वच्छता अभियान को संचालित किए हुए हैं, जो बहुत सराहनीय है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारा सौभाग्य है कि G20 सम्मेलन हमारे खजुराहो में होने जा रहा है, जिसके लिए हम देश के पीएम मोदी का हृदय से धन्यवाद करते हैं। हमारा खजुराहो G20 के लिए तैयार है और हम अपने मेहमानों का स्वागत पलक पावड़े बिछाकर करेंगे। देखिए, G20 देशों की बैठक 23, 24, 25 फरवरी को खजुराहो के अंदर है। हम सबका सौभाग्य है माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में जो 56 स्थान इस देश के अंदर तय किए हैं, उसमें खजुराहो भी एक स्थान है। इसलिए प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन। और साथ में ही आज स्वच्छता का अभियान का आज 49वां दिन है। किसी नेता के आह्वान पर भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था कि स्वच्छता का अभियान लोग चलाएं। मुझे खुशी है कि खजुराहो के अंदर आम नागरिकों ने, सभी संस्थाओं ने, सभी राजनीतिक दलों ने, सबने मिलकर के, प्रबुद्ध लोगों ने, दुनिया के आने वाले टूरिस्ट ने भी खजुराहो को स्वच्छ और खजुराहो को हरा भरा बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लगातार 49 दिन से स्वच्छता का अभियान चल रहा है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।